नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर हरदोई से। स्थानीय कोतवाली पुलिस ने दो बाल अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो कस्बों में सड़क पर बात कर रहे लोगों के हाथों से मोबाइल छीनकर फरार हो जाते थे। वहीं बेचारे मोबाइल धारक केवल शोरगुल करने के सिवाय कुछ हासिल नहीं कर पाते। कुछ इसी प्रकार की घटना नगर में एक दिन में लगातार 3 घटनाओं का दिन में मोबाइल फोन छीना गया था, जिसे लोग देखकर परेशान थे। जिनके साथ वारदात को अंजाम देने वाले अज्ञात लुटेरों का पता नहीं लग सका था, लेकिन कोतवाली प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया था कि मामला संज्ञान में है और पुलिस आरोपियों की धरपकड़ करने के लिए जाल बिछाकर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। सोमवार को कोतवाली पुलिस के हत्थे दो बाल अपराधी गिरफ्तार किए, जिनके पास से थाना माधोगंज क्षेत्र में लूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद हुआ। अभियुक्त के पास से 10 मोबाइल फोन बरामद हुए। इसके साथ ही 2 बाइक व 1 स्कूटी भी बरामद हुई। 2 अवैध असलहा में 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एक मोबाइल लुटेरों के गैंग को वर्कआउट किया गया है, जिसमें 2 लोग की अरेस्टिंग की गई है और इनके कब्जे से लगभग 14 मोबाइल की बरामदगी हुई है, जो इनके द्वारा विभिन्न स्थानों से लूटे गए थे। इस संबंध में कुछ इनके जो घटनाएँ हैं वो ट्रेस हो गई हैं। कुछ का मोबाइल को हम कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और इनके गैंग में और भी लोग शामिल हैं, जिनको हम कुछ के नाम आ गए, बाकी को ट्रेस करके जल्दी अरेस्टिंग करेंगे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में अजय यादव पुत्र विजय पाल निवासी ऊंची टीला थाना सांडी है, जिन पर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 148/21, 167/21 धारा 392 के तहत अभियुक्तों पर विधि कार्यवाही करते हुए न्यायालय भेज दिया गया। हरदोई से ब्यूरो चीफ रवि प्रकाश शुक्ला के साथ कैमरामैन प्रमोद कुमार की खास रिपोर्ट।